तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिजिन मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, जो आपको अंत तक बोर नहीं होने देगी। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की स्टार्टिंग में हम एक सेमन स्कान को देख पाते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक काला जादू रिचुअल कर रहा होता है, जिसके अंदर एक भैंस की टांग, भैंस की आंखें और कुछ इंसानी आंते उससे ब्लैक मैजिक कर रहा होता है, जिसके बाद में उस लड़की के ऊपर कुछ मार्क कर देता है। अब जिसके बाद में हम दो बहनों को देख पाते हैं, जिनका नाम होता है इरमा और वुलन। यह दोनों इसी सेमन के पास में आए होते हैं। अब इनका नंबर आने पर स्कान दोनों को अंदर बुला लेता है, जिसके बाद में इरमा इस्कान को कहती है कि वह गेलन नाम के एक लड़के से प्यार किया करती है और उससे वह शादी करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले उनके अगेंस्ट हैं। इरमा चाहती है कि इसमें इस्कान उनकी हेल्प कर दे, जहां पर इरमा इस्कान को यह भी बताती है कि गेलन कोई और नहीं उसका कर्जन है, यानी कि मौसी का लड़का। यह सुनने के बाद में इस्कान साफ साफ मना कर देता है कि वह इस रिचुअल को नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह ये रिचुअल करेगा तो इसमें इरमा की जान जा सकती है। तभी इरमा की बहन वुलन को एक जिन प्रजस कर लेता है और कहता है कि अगर तुम यह शादी करोगी तो तुम मरी जाओगी, जिसको सुनते ही इरमा काफी डर जाती है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 12 साल बाद, जहाँ पर हम इरमा, उसकी बहन वुलन और उसकी मदर फ्राहा को देख पाते हैं, जो अपनी मौसी के घर पे जाती है। यहाँ पर हम गेलन को देख पाते हैं, जिसकी शादी निशा नाम की एक लड़की से हो गई थी और अब उनकी एक प्यारी सी बेटी है, जिसका नाम है सोफिया और आज उसका बर्थडे है। दरअसल यहाँ पर सोफिया अंधी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर गेलन की माँ की तबीयत भी काफी खराब थी। खैर, यहाँ पर पार्टी वगैरह होती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि इरमा और गेलन का अफेयर चल रहा है, साथ ही साथ वो काफी करीब भी आ चुके हैं और यह बात गेलन की वाइफ निशा को भी मालूम है। अब गेलन को अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया था, इसलिए वो अब इरमा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्यार में अंधी इरमा, जो उसके प्यार में इतना डूब गई थी कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसी बात पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें इरमा गुस्से में आकर कह देती है कि उसने भले ही शादी अलग कर ली हो, लेकिन फिर भी उसकी बेटी अंधी है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और उसकी बेटी अंधी नहीं होगी। यहाँ पर वो ना ही निशा को हर्ट करती है और ना ही उसे कोई सोफिया से इतराज है, वो अपने रिश्ते को बनाना चाहती है। खैर, अब इरमा अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर गेलन को बार बार कॉल करने लग जाती है, लेकिन गेलन उसके कॉल को इग्नोर कर देता है, जिस पर इरमा को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन वुलन आ जाती है, जो उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम उसके परिवार को क्यों उजाड़ रही हो। यह बात सुनते ही इरमा काफी भड़क जाती है और अपने बहन पर ही चलाने लग जाती है, क्योंकि एक टाइम था जब गेलन इरमा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, साथ ही जीने मरने की कस्में भी खा ली थी और कभी अलग ना होने का वादा भी किया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी कहीं और करवा दी, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने इरमा को छोड़ दिया। लेकिन इरमा अब गेलन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए वे गेलन को नहीं छोड़ना चाहती और उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वह गेलन के वर्कशॉप पे पहुंच जाती है और वहाँ पर उससे बच्चा एक्सेप्ट करने को कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और उनके बीच में भेद शुरू हो जाती है, जहाँ बातों ही बातों में गेलन इरमा को धक्का मार देता है, जिस कारण इरमा का मिसकैरेज हो जाता है, जिसके चलते वो फौरन इरमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन अब तक इरमा अंदर से काफी टूट चुकी थी, जहाँ पर गेलन साफ साफ कह देता है कि अब उसके और उसके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और उनके बीच में जो भी कुछ हुआ वे सब भूल जाए और अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, और साथ ही वो ये कहता है कि उसे और उसकी फैमिली से दूर रहे। अब यह सुनने के बाद में इरमा काफी अंदर से टूट जाती है और रोने लग जाती है। खैर, अब गेलन जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसको उस्ताद जी मिलते हैं, जो सोफिया के लिए गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उस्ताद जी सोफिया के बर्थडे पे नहीं आ पाए थे और बोलते हैं कि अब सोफिया को प्रेयर करनी चाहिए। गेलन की फैमिली कई टाइम से मस्जिद में नहीं आई, तो उनको मस्जिद में आकर प्रेयर करनी चाहिए, जिससे अगर उन पे कोई विपदा आने वाली होगी तो वे वहीं से टल जाएगी। खैर, अब जिसकी बात सुनकर गेलन अपने घर पे आ जाता है और आराम से सो जाता है, क्योंकि वह काफी थक चुका था। अब मिडनाइट को उसके पास में सोफिया आती है, जिसके दोनों हाथों में उसकी दोनों आंखें थी और कहती है कि पापा आप अगली बार मुझको आंखें गिफ्ट करना, जिसको सुनते ही गेलन डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि यह एक भयानक नाइटमेयर था। जिसके बाद में वह सोफिया के पास में जाता है चेक करने कि वह ठीक तो है। वहां पर वह देखता है कि सोफिया आराम से सो रही है। इसके बाद में वह कुछ टाइम सोफिया के पास में बैठता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से काफी प्यार किया करता था। जब उसकी वाइफ निशा प्रेग्नेंट थी, तब उसको कुछ दिक्कतें आ
आ रही थी, लेकिन उस वक्त गैलन अपनी ही दुनिया में था, जिस कारण वह उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया और ना ही चेकिंग करा पाया। जिसके बाद में उसको पता चला कि बेटी अंधी है और इन सभी का बेकसूर वह अपने आप को मारने लगा। अब अगले दिन गैलन मस्जिद जाता है, जहाँ पर उस्ताद जी आज सिजिन के बारे में बता रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इरमा को देख पाते हैं, जिसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और गैलन को बार बार कॉल करने लग जाती है। और इस बार गैलन गुस्से में आकर फोन उठा लेता है और उसको उल्टी सीधी कहने लग जाता है, जिस कारण इरमा को काफी हर्ट होती है। के बाद में इरमा इस्कान के पास में जाती है, यानी कि सेमन के घर पे, और कहती है कि उसको गैलन किसी भी कीमत पर चाहिए और वह उसकी लाइफ में इकलौती लड़की बनना चाहती है, के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाती है। पर इस्कान उसको वार्निंग भी देता है कि यह काम करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसको अपनी और अपनी बहन की ज्वेलरी देकर रिक्वेस्ट करती है यह काम करने को, जिस पर इस्कान की मोम ज्वेलरी देख कर मान जाती है और इस्कान को यह काम करने को कहती है, जिस पर इस्कान अपनी माँ की बात मान जाता है और उसका यह काम करने को तैयार हो जाता है। जहाँ पर इस्कान बताता है कि ढेर सारे इविल जिन होते हैं, जिनमें से एक होता है एनाजार जिन, जो मुस्लिम लोगों से काफी ज्यादा नफरत किया करता है। वो एनाजार को बुलाएंगे और निशा की वाइफ गैलन को प्रदर्श करवा देंगे, जिसमें उसको एक फ्रेश डेथ बॉडी की टांग चाहिए होगी और भैंस की मांस भी, जिससे वह उसको पूरी तरह से कवर कर देगा। लेकिन इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उनको निशा की कोई फोटो वगैरह चाहिए होगी, साथ ही बाल नाखून या खून वगैरह चाहिए होगा। पर इरमा पूछते है कि इससे क्या होगा, जिस पर इस्कान बोलता है कि यह रिचुअल होते ही 5 रातों में निशा और उसके ब्लड लाइन वाले मारे जाएंगे, जिसको सुनते ही सोफिया की टेंशन होने लग जाती है। तभी इस्कान कहता है कि तुमने अपने बच्चे को खोया है, जिसको किसी को फिक्र थी, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है। अब अगले दिन इरमा निशा के घर पे जाती है और अपने मिशन को अंजाम देने लग जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले बाथरूम में जाकर कॉम से बाल को निकाल लेती है और डस्टबिन में पड़ा एक सैनिटरी पैड को चुरा लेती है, जिसपे खून लगा हुआ था। अब मिशन कंप्लीट होते ही वे वहाँ से जाने लग जाती है, तभी उसको सोफिया मिल जाती है। तभी वहाँ पर गैलन आ जाता है, वो इरमा को देख कर भड़क जाता है और उसको उल्टी सीधी गाली बकने लग जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे और मेरे परिवार वालों से दूर रहना, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह सुनने के बाद में वे तो पक्का ठान लेती है कि वे तो अब इस रिचुअल को करके ही मानेगी और उसको पाके ही रहेगी। खैर अब वह सारा सामान लेकर इस्कान के पास में पहुँच जाती है और उसको दे देती है, जहाँ पर इस्कान एक लाश का पैर भी लेके आ चुका होता है और भैंस के बॉडी के पार्ट भी ला चुका था, जो इस रिचुअल में इस्तेमाल करने वाला था। और वो सैनिटरी पैड को देख कर काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि इस रिचुअल में खून का इस्तेमाल होगा तो यह रिचुअल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि खून बाल से ज्यादा प्रदर्शन करता है। जिसके बाद में सेमन उस रिचुअल को करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर निशा की फोटो को ब्लड में भिगो देता है, जिसके बाद में वह पैर की हड्डी पर कुछ लिखने लग जाता है, जिसके बाद में फोटो को फाड़ देता है और लेग को कवर कर देता है, प्रेयर करने लग जाता है उस जिन को बुलाने के लिए। यहाँ पर ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक होता है कि इनका पूरा घर ही हिलने लग जाता है। अब फाइनली जिन आ चुका होता है और उसकी तरफ भेज देता है। फिर अब वो फोटो को फाड़ कर फ्लेश के साथ में कुत्तों को खिला देता है और इरमा को बताता है कि आज से 5 रातों के बाद में निशा की मौत हो जाएगी। अब 5 रातों के अंत होते होते निशा और उसके परिवार वाले मारे जाएंगे और इरमा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और गैलन उसको मिल जाएगा। जिसके बाद में पहली रात आती है, जहाँ पर निशा नुआ पड़ रही होती है, तभी उसको भैंस की बॉडी पार्ट होंट करने लग जाते हैं और उसके ऊपर ढेर सारा खून गिरने लग जाता है, मानो कि कोई खून से बाल्टी भर के उसके ऊपर गिर दी हो, जिससे कि निशा बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वह बहुत डर गई थी। जिसको सुनते ही गैलन दोबारा नीचे आता है और निशा को संभालता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो निशा ने देखा था। अब यह देख गैलन निशा को सोने के लिए भेज देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में निशा घर की काम कर रही होती है, तभी सोफिया के कमरे में उसको एक डोल मिल जाती है और देखते देखते निशा प्रजस हो जाती है, वह अपने और डोल की बाल खाने लग जाती है, जिसके तुरंत बाद उसे पलटी होने लग जाती है और उसके प्रदर्शन इतना खतरनाक होता है कि बाद में उसको होश आता हो तो वह काफी हैरान हो जाती है। अब शाम को गैलन काम करके घर आता है तो वह अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है, लेकिन गैलन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इस बात को इग्नोर कर देता है। अब सेकेंड रात आती है, जहाँ पर हम इरमा को देख पाते हैं, जिससे उसकी बहन वुलन ज्वेलरी के बारे में पूछती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। तभी वुलन को डाउट होने लग जाता है कि कहीं वो इरकान के पास में तो नहीं गई, जिस पर उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और इरमा अपनी बहन को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। और अब रात को इरमा सो रही होती है, हम देख पाते हैं कि अब इरमा को भी हॉन्टिंग सा नाइटमेयर आने लग गया था, जहाँ पर उसकी बहन वुलन की डेड बॉडी उसको हॉन्ट कर रही थी, जिस पर वे काफी ज्यादा डर जाती है
और तभी उसकी बहन वुलन वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को संभालती है। यह चीज काफी अजीब है ना, उसने रिचुअल किसी और पर किया और असर किसी और पर हो रहा है। वहीं पर हम निशा को देख पाते हैं जो नवाब उखड़ रही होती है, तभी उसको उल्टी आने लग जाती है। उसके अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर आने लग जाते हैं जिससे कि वे काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए उन कीड़ों को एक जार में डाल देती है ताकि उसकी बात पर कोई यकीन कर पाए। जिसके बाद में निशा अपनी सास के पास में जाती है, तभी अचानक से निशा प्रजस हो जाती है और अपनी सास को मारने लग जाती है। तभी निशा अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और रोते हुए अपने सास से माफी मांगने लग जाती है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं उसको ये क्या हो रहा है। के बाद में वह वॉशरूम में जाती है, यहाँ पर वो जार देखती तो वह बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि उस जार के अंदर कीड़े गायब हो चुके थे। तभी निशा के सास जो हिल डुल तक नहीं पा रही थी, वह चल के किचन में पहुंच जाती है और वहां पर उबलते हुए बर्तन में रखे खाने को अपने ऊपर उड़ेल लेती है। अब यह देखकर निशा की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसके सास के शरीर पर काफी सारे फफूले पड़ चुके थे जिसका निशा की सास वहीं पर मारी जाती है। अब तीसरी रात शुरू होती है जहां पर निशा के सास का फिनल किया जाता है जिसमें इरमा भी आई होती है। तभी वहां पर निशा प्रजस्त होकर अपनी सास की बॉडी को उठाकर दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं लेकिन इरमा इससे नहीं डरती, वे काफी खुश होती है। लेकिन वहां पर उस्ताद जी मौजूद थे इसलिए वहां पर एक छोटा मोटा एक्सोरसिज्म करके उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन वो जान चुके थे कि यह कोई नॉर्मल जिन नहीं बल्कि इसको बुलाया गया है, यह बहुत ही खतरनाक जिन है। खैर अब उसी रात निशा को सुलाकर गैलन भी सोने चला जाता है तो उसको भी हॉन्टिंग मेयर आने लग जाते हैं जिससे कि वह बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद में वह निशा के पास में आ जाता है और माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसने उसको बताने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो ही था जो उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब गैलन उस्ताद जी के पास में जाता है, वहाँ पर उस्ताद जी गैलन को बताते हैं कि जिस जिन ने निशा को प्रजस किया है वह नॉर्मल जिन नहीं है, तो यहाँ पर काला जादू करके बुलाया गया है। वह जिन बहुत ही पावरफुल है लेकिन तुम डरो मत, गॉड के सामने उसकी पावर ज्यादा नहीं है। जिसके बाद में वो उसको एक होली वाटर देता है जो प्रेयर से पहले उसके माथे पर लगाने को बोलता है ताकि उसके हालत में कुछ सुधार आ जाए। वहीं घर पर निशा को घोस्ट हॉन्ट कर रहा होता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गैलन पहुँच जाता है जो अपनी वाइफ को संभाल लेता है और वह काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसके पास में उसकी वाइफ और सोफिया के अलावा कोई नहीं बचा था और वह अब उन दोनों के बिना नहीं जी पाएगा। गैलन उसके सिर पर होली वाटर लगाता है तभी वह तड़पने लग जाती है और जोर जोर से चलाने लग जाती है। जिसके बाद में वह अपनी वाइफ को रूम में सुलाकर रेडियो में प्रेयर स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अब गैलन के जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वह प्रेयर्स अपने आप ही बंद हो जाती है और निशा फिर से प्रजस्त हो जाती है। फिर अब चौथी रात आती है जहां पर हम इरमा की माँ को देख पाते हैं यानी कि गैलन की मौसी को, जिसको कुछ इविल वॉइस सुनाई दे रही होती है और वह उस वॉइस को सुनकर पागल हो जाती है और तोड़ फोड़ करने लग जाती है और कांच को खा लेती है जिस कारण उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर निशा के खून के रिलेटिव मरने वाले थे लेकिन यहाँ पर मर तो कोई और ही रहा है। अब अगले सीन में इरमा की माँ का फ्यूनरल किया जाता है जिसके बाद में इरमा अपनी बहन वोलन को सब कुछ बता देती है और वह अपनी गलती को कबूल कर लेती है और बताती है कि वह उसी सेमन के पास में गई थी और उसने यह ब्लैक मैजिक करवाया था लेकिन सेमन बता रहा था कि इसमें निशा के ब्लड रिलेटिव ही मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सुनते ही वोलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों का बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच वे अंदर ही अंदर टूट गई थी। वहीं दूसरी तरफ निशा की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसको आदम सुना देने लग जाता है जिससे वह प्रजस्त होकर खुद को फांसी लगाने लग जाती है। लेकिन अब तक गैलन वहां पर आ चुका था और अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब कुछ टाइम के बाद में गैलन के घर पे उस्ताद जी आते हैं जहां पर उस्ताद जी गैलन को बताते हैं कि वह निशा को मस्जिद के पीछे वाले जगह में लेके आए, वहां पर आज रात उसको ठीक कर देंगे। अब थोड़ी ही देर बाद में गैलन के घर पर इरमा और वुलन पहुंच जाती है जहां पर इरमा गैलन को सब कुछ बता देती है जो उसने किया और कह देती है कि वह जिन उसी ने भेजा है। तो सुनते ही गैलन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लग जाता है। खैर अब आती है पांचवी रात जहां पर हम इरमा और वुलन को देख पाते हैं जो कि स्कान यानी कि सेमन के पास में जा रहे होते हैं उस सभी का इलाज करवाने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वुलन प्रजस हो जाती है और इरमा पर हमला करने लग जाती है जिससे जैसे तैसे बचकर इरमा बाहर भाग जाती है। जहां वुलन प्रजस की हालत में इरमा को कहती है कि वह आज रात मारी जाएगी, वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी बीच वुलन पेड़ पर चढ़ जाती है और नीचे कूद जाती है जिसमें उसके बाल और मुंडी फंसकर वह वहीं पर मारी जाती है।
आबिद माँ बहुत ज्यादा डर गई थी और वे भागकर इस्कान के पास में जाती है ताकि वे सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन वहाँ पर जाते ही वे सोच रह जाती है क्योंकि वहाँ पर इस्कान मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम निशा को देख पाते हैं जिस पर उस्ताद जी एक्सोरिज्म करते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। निशा को कोई इविल हॉन्ट नहीं करता, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। निशा अब इविल होने लग गई थी, उसका प्रदर्शन बहुत ही खतरनाक हो गया था और चरम सीमा को पार कर चुका था। तभी वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है और वहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इर्मा इस्कान को ढूंढ रही होती, लेकिन उसको इस्कान कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर इविल आ जाती है जो इर्मा को कंट्रोल कर लेती है और उसके अंदर घुसकर उसकी पूरी बॉडी को ही मरोड़ देती है, जिससे उसकी बहुत ही दर्द भरी मौत हो जाती है, जो इस मूवी की सबसे खतरनाक मौत होती है। ये तो होना ही था, जो जितना बड़ा गड्ढा खोदेगा वह उसमें तो गिरेगा ही। वही निशा गैलन पर हमला कर देती है और उसको जान से मारने वाली होती है। तभी उस्ताद जी उसको बेहोश कर देते हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। दरअसल निशा में कोई जिन आया ही नहीं था और ना ही वे कभी रियल इविल के कब्जे में आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली प्लॉट। असल में उसके अंदर कभी भी इविल नहीं आया था, वो स्टार्टिंग में सोफिया के अंदर ही इविल आया था। दरअसल उस दिन सोफिया को फर्स्ट पीरियड आया था और वह पेड़ उसी का था और जो बाल इर्मा लेके गई थी वह बाल ही उसका था। इस तरह रिचुअल तो निशा पर हुआ था, लेकिन प्रजेशन सोफिया पर आया था और वहीं से इविल अपना काम करना स्टार्ट। यहाँ पर जिन ने सोफिया के ब्लड रिलेटिव को मारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इर्मा वुलन ये सभी उसकी क्या भुआ लगती थी और वो भी मारी गई। यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए थे वे सभी सोफिया के अंदर इविल ने काम किया था, जो सभी जगह मौजूद थी लेकिन बैकग्राउंड में छुपा दिया गया था। अब यहाँ पर सोफिया गैलन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस्ताद जी फाइनल एक्सोरसिज्म करके इविल को मार देते हैं और उसको भगा देते हैं। अब जिसके बाद में हम न्यूज़पेपर में देख पाते हैं कि मॉस्क हॉल में कई सारे बॉडी बरामद हुई है और उसमें एक हस्बैंड की होती है जिसकी गर्दन टूट के मारी गई थी, उसके कजन सिस्टर इर्मा और गुलन भी थी जो मरी पड़ी मिली थी, और गैलन की वाइफ का इलाज चल रहा है, उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी तो किसी के बारे में नहीं पता। यहाँ पर सोफिया ने गैलन को भी मार दिया था, लेकिन उस्ताद जी ने उसके अंदर से इविल को भगा दिया था और निशा को बचा लिया था। इस न्यूज के अंदर और भी कुछ बताया जाता है, जहाँ पर सोफिया भी वहीं पर मिली थी जो फिलहाल ठीक है। उसका ख्याल रखने के लिए अब उसकी फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम निशा को देख पाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो एक भयानक नाइटमेयर के साथ में उड़ती है। तभी उसको संभालने के लिए सोफिया वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके अंदर अभी भी वो इविल मौजूद था, क्योंकि उसका खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब उसको आखिरी ब्लड लाइन वाले को मारना था। वह कोई और नहीं बल्कि उसी की मोम होती है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।